मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कैसे बीच बाजार में गुंडई चल रही है, हाथों में डंडे और पत्थर लेकर घोड़ा गाड़ी पर गुड़ बेचने वाले दानिश की इन उपद्रवियों ने बीच बाजार में ही पिटाई कर दी। मामला यूपी के गाजियाबाद के नंदग्राम का है, जहां पर कुछ लोगों ने जमकर गुंडई दिखाई। हालांकि पुलिस ने दानिश की शिकायत पर अनुपम कौशिक, आशीष कौशिक, प्रवेश कौशिक, सोनू शर्मा, टीटू और आशुतोष के खिलाफ मारपीट का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और नामजद दो लोगों को हिरासत में भी लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाजार में दानिश घोड़ा गाड़ी पर गुड़ बेच रहा था और तभी कुछ लोग वहां पर पहुंचते हैं और इनसे मामूली कहा सुनी होती है। दानिश की बेरहमी से ये लोग पिटाई करते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हाथों में डंडे लिए ये गुंडे दानिश की पिटाई कर रहे हैं। हालांकि बीच बचाव में कुछ दुकानदार भी आए, मगर उनकी भी इन गुंडों ने पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि मामूली बात को लेकर इस पिटाई की तस्वीर गाजियाबाद से सामने आई है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि नामजद दो लोगों को हिरासत में लिया है। बाकी के लोगों की तलाश जारी है और पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है। बस 10:30 बजे नंदग्राम पुलिस को सूचना मिली कि नंदग्राम में पड़ने वाले दुगना मार्केट में एक दानिश नाम का व्यक्ति, जो कि पिछले 7-8 सालों से वहां पर टांगे पर लाकर गुड़ बेचता है, उसके साथ कुछ लोग आए और उसके बाद मारपीट करने लगे। इस पे स्थानीय दुकानदारों ने उनका विरोध करा। थोड़ी देर बाद ये मारपीट करने वाले व्यक्ति वहां से चले गए एवं लाठी डंडे लेकर वापस लौटे और स्थानीय दुकानदारों के साथ दानिश के साथ मारपिटाई करने लगे। इसमें दानिश की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करा जा रहा है एवं दो लोग अभी पुलिस की हिरासत में है। मौके पर कानून व्यवस्था की कोई समस्या